सवाई माधोपुर में सियासी सरगर्मी बढ़ी। पंचायत समिति के नए भवन उद्घाटन समारोह में जिला प्रमुख सुदामा देवी को नहीं बुलाने पर उनके पति ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की मांग रख दी, इसलिए कार्यक्रम में मेरी पत्नी जिला प्रमुख का नाम हटाया गया। सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। डिगी प्रसाद मीणा द्वारा स्थानीय विधायक पर 243 झूठे मुकदमे अल्पसंख्यक नौजवानों पर लगाने का आरोप भी सामने आया है। सर, कल क्या मामला था? कल आपकी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही थी आपकी ओर से, क्या मामला था सर कल? मैं मेरे घर पे बैठा हुआ था तो मेरे पास एक दानिश अबरार जो विधायक सवाई माधोपुर है उसके कार्यकर्ता ने एक पोस्टर डाला, एक इनविटेशन कार्ड डाला, तो उसमें जिला प्रमुख का नाम नहीं था। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं है तो हमारा क्या लेना देना है, ये तो किसी का कार्यक्रम है और वो चाहे तो उन्होंने कहा, बोले पंचायत राज का कार्यक्रम है, उसमें विधायक सवाई माधोपुर और राजस्थान के मुखिया की फ़ोटो, अशोक गहलोत साहब की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैंने जब फिर मालूम किया तो वो वास्तव में पंचायत राज के वीडियो ने कहा कि मैं इस पंचायत राज का ही कार्यक्रम है लेकिन मैं छुट्टी पे हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। फिर मैंने मालूम किया, मुझे किसी से पता चला, जिला परिषद के कर्मचारी से या पंचायत समिति के कर्मचारी से, कि वो पंचायत समिति का एक कार्यक्रम है। हालांकि आज अभी 2 मिनट पहले वो लोग लाइव आ रहे हैं और उसको खुद का कार्यक्रम बता रहे हैं, स्वयं का कार्यक्रम बता रहे हैं, लेकिन सरकारी जगह पर स्वयं का कार्यक्रम नहीं हो सकता। और जिला परिषद के सबसे पंचायत राज के अहम पद पर मेरी धर्मपत्नी काबिज है, जिला प्रमुख है, कांग्रेस के सिंबल पर, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का प्रधान है, तो इसलिए मैंने पूछना चाहा भाई इनका नाम किस कारण काटा गया। तो उन्होंने बताया कि आपने विधायक साहब के सामने टिकट मांगने की ज़रूरत करी, इस वजह से उनका नाम इससे इस कार्ड से हटा दिया गया। आप सीधा सीधा विधायक साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हो? सीधा सीधा बिल्कुल विधायक को। 243 नामों की जो लिस्ट आने वाली थी आपकी तरफ से, कितनी कब आएगी वो लिस्ट? 243 की मैं आपको बता देता हूँ, अभी 243 में बिल्कुल जग जाहिर है। 5 लड़के तो अभी माइनॉरिटी समाज के जेल के अंदर बंद है, 5 हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 अभी फरार है। मुहर्रम के दिन ही इन्होंने नाजायज तरीके से उन पर 307 का केस लगवा दिया और अंदर करवा दिया। एक वार्ड पार्षद है उसको तो कोतवाली के अंदर इतनी बेरहमी से पिटाई करवाई इन्होंने, उसका पुलिस से वीडियो और मंगवाया, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। उपसभापति अली अहमद जी, आपके जो ताला लगा, अली मोहम्मद जी, आपके जो ताला लगा, अब क्या ताला खुल चुका है आपको? तो आप दफ्तर जा रहे हो अभी ऑफिस? मेरे जिस ऑफिस में मैं बैठता था, ऑफिस मेरा नहीं था, वो सभी पार्टियों के लोगों को बैठने के लिए एक स्वागत कक्ष बना रखा था। मैंने उस ताले की चाबी, मेरे पास थी, बीजेपी के पास थी, निर्दलीय राजेश पाड़िया के पास थी। तो उसके बाद में मैंने जो टिकट मांगने के लिए मंत्री रमेश जी और रघु शर्मा जी आए उस रोज़ वाइट दी और टिकट मांगा तो मेरी हमारी बैठने के कमरे के ताला लगा दिया और ताला लगते लगते 6 ताले लग गए। 6 ताले लगने के बाद वो किसने लगाए, लेकिन मुझे यही मिला कि साहब विधायक साहब द्वारा मतलब कहने के बाद लगाए गए, वो ताले भी खुल गए। अभी तो ताला लगाओ अभियान चला हुआ है। सवाई माधोपुर में रंगरेजों की जामा मस्जिद पर 4 ताले लगा दिए और जीनगरों के मंदिर पर 3 ताले लगा दिए, मेरे यहाँ 6 थे अब 7 लग गए। आप यहाँ से सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हो, तो सर आपकी क्या तैयारी है? तैयारी है भाई, मैंने तो 1990 के बाद मैं कांग्रेस में हूँ और हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं दमदारी से टिकट मांगता हूं। वो अलग बात है कि हाईकमान का फैसला होता है तो हम पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन अब हालात और स्थितियां थोड़ी अलग है और दमदारी से मैं अपना टिकट मांग रहा हूं और इस टिकट को वाकई जो अभी सिटिंग MLA है इस टिकट को अगर पार्टी हाईकमान काटता तो कांग्रेस दोबारा जीतेगी, चाहे टिकट किसी को दिया। और प्रबल दावेदारी में कांग्रेस के सिंबल के लिए हूँ, कांग्रेस से टिकट मांग। आपका नाम? मेरा नाम धर्म सिंह मीणा है, पूर्व छात्र संघ देख रहा हूँ कॉलेज का। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट के लिए आपके बारे में आपकी राय बताएं। वर्तमान समय में सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चल रहा है
उससे सवाई माधो का मीडिया तो क्या, राजस्थान का मीडिया वाकिफ है। जिन जिन लोगों ने टिकट मांगा कांग्रेस पार्टी से, उनको यहाँ के विधायक इटलर शाही तरीके से दबाना चाहता है। कुछ समय पहले सुनने मिला हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अली भाई, अली मामा, मेरे मामा जी भी लगते हैं रिश्ते में, उनके कार्यालय पर 5-5-6 ताले लगा दिए गए हैं। अभी रात की ताज़ा घटनाक्रम है, मेरे से पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे कॉलेज के दबंग छात्र संघ अध्यक्ष अपने नाम से जाने जाते हैं 15 जिलों में, डिग्गी प्रसाद मीना, उनको रात को दबाया गया। उनकी धर्मपत्नी आदिवासी महिला है, महिला की आवाज़ है। हमारे कांग्रेस के आलाकमान कहते हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की महिला है, लड़की हूँ, लड़ सकती है, लेकिन आदिवासी महिला की आवाज़ को दबाने के लिए पंचायत समिति सवाई माधोपुर में जो पंचायत राज का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में से निमंत्रण पत्र से नाम हटाकर एक छोटी राजनीति है। यहाँ का विधायक मानसिक संतुलन खो चुका है। विधायक बिल्कुल मानसिक संतुलन खोने की वजह से कांग्रेस के जिला प्रमुख का ही निमंत्रण पत्र से नाम हटा दिया गया है। इसका कारण मैं मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ कि विधायक सवाई माधोपुर से आप पूछो क्या कारण है। अभी मेरा मकान अम्बेडकर कॉलोनी में, मैं 1 घंटे से वहाँ बैठा हुआ था, मेरे मकान के बाहर मेरे से कुछ नहीं कहा, 4 पुलिसकर्मी वहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं बाइक लेकर आया, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, आप क्या मतलब है, तो ऐसा पंचायत समिति मत जाना, मेरे क्या काम पंचायत समिति से। तो मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस कब तक आपके साथ रहेगी। आचार संहिता के बाद में राजस्थान में अगर कांग्रेस के आलाकमान ने अब भी इनको टिकट दिया, सरू समाज की आवाज़ है, मीणा समुदाय की है, माइनॉरिटी की है, गुजर समुदाय की आवाज़ नहीं है, ये 36 कौम की आवाज़ है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से हारेगा तो दानिश अबरार हारेगा। ये मेरी बात को आप आलाकमान तक पहुँचाने का श्रम करें।